यूपी के आगरा में नगर निगम में नाले की सफाई को लेकर अधिकारियों से नोकझोंक राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष को भारी पड़ गई। सफाई कर्मियों ने हिंदूवादी नेता को पुलिस की मौजूदगी में दौड़ा दौड़ाकर बुरी तरह पीटा और बाद में दबाव बनाने के लिए रोड पर जेसीबी और ट्रक खड़ा कर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज दो महीने से लगातार हमारे नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं और कुछ तथाकथित लोग हमारे कर्मचारियों के साथ मारपिटाई जैसी घटनाएं कर रही हैं और आज भी जो है एक जो है कोई पाराशर गुंडा है वो अपने समर्थकों को लेकर नगर निगम में आया और उसने आकर के हमारे अपर नगर आयुक्त जो है सहायक नगर आयुक्त जो है अनुपम शुक्ला उनके कार्यालय में गया, तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपिटाई की, जो हमारे कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ मारपिटाई की और मारपिटाई कर करके वो भाग गया। अब जो आज हमारे साथ में पांचवी घटना है, हमारे कर्मचारियों के साथ में पांचवी घटना है। अब हमारे कर्मचारियों का जहर का बांध टूट चुका है। अब हम जो है जब तक जिला प्रशासन हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है जब तक इसी तरह से हमारा आंदोलन जारी रहेगा, शांत प्रिय तरीके से जारी रहेगा। हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं है, हम केवल अपने कर्मचारियों को न्याय चाहते हैं। सहायक नगर आयुक्त साहब के साथ में जो नेता आए हुए गोविंद नाम बताया, जो मांग की जा रही थी सहायक नगर आयुक्त साहब ने उन्हें समझाया भी, पता नहीं क्या भड़क गए। जो है FIR दर्ज की ली करनी जाती है, उसके उपरांत पूरी जो एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कहते हैं कड़ा एक्शन लेने से प्रशासन में ही छवि जाएगी पुलिस प्रशासन की, वो नहीं लिया जा रहा है अभी, और अभी तक तो सड़कों पे या फिर क्षेत्रों में।